बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आगे चलते हैं अपने वर्ड स्टोरीज़ में, जिसमें असल में हम वर्ड के ओरिजिन से वर्ड्स लर्न करना चाह रहे हैं, ताकि वोकेबलरी में हम तेज़ी से इजाफा कर सकें और फिर लफ्ज़ों के कनेक्शन हमारे समझ में आएँ। इट्स वन ऑफ द नोन एंड रिकमेंडेड वेज टू इंक्रीज वोकेबलरी। तो मैनियाज और फोबियाज, ये तो बहुत ही वोकेबलरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैनियाज होते हैं किसी चीज़ का मैनिया हो जाना, जब किसी चीज़ का वहम हो जाता है खबत की हद तक, बंदा के दिमाग से वो चीज़ निकलती ही नहीं है वो चीज़, तो उसको कहते हैं इस चीज़ का मैनिया हो गया। ठीक है, तो ये तो बेतहाशा हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अपनी पसंद के याद करने चाहिए। बिब्लियोमैनिया, बुक रीडिंग का वहम हो जाना। ठीक है ना, अब हम रैंडमली इसमें कुछ देखेंगे, जैसे एंग्लोमैनिया है, ऑब्सेशन हो जाना अंग्रेज़ी का, खबत हो जाना कि अंग्रेज़ी हर वक्त पढ़ते रहना। या ईगोमैनिया, ईगो पढ़ा था ना, ईगो मैंने खुद अपनी प्रस्तुति करने का मैनिया हो जाना। ग्रेफोमैनिया, राइटिंग का मैनिया। ठीक है ना, इसी तरह क्लेप्टोमैनिया, ये बाज़ वक़्त कुछ लोगों को होता है, चोरी करने का उनको ऑब्सेशन होता है, कोई चोरी करने पर मजबूर होते हैं। स्टीलिंग का मैनिया, क्लेप्टोमैनिया। ठीक है, और इसी तरह सेक्सुअलिटी के मैनिया भी हैं, और ओनियोमैनिया, शॉपिंग का मैनिया, या जो बस शॉपिंग करनी है, बस ऑब्सेसिव होना कि मैंने शॉपिंग करनी है। इसी तरह ये बच्चे अपने नेल फिंगर के खाते रहते हैं, इसके लिए भी वर्ड है, ओनिचोटिलोमैनिया। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ओनिचोटिलोमैनिया है, ये च है ये ट है, इसका फिर तलफ़ हमें देखना पड़ेगा। ये साइकाइट्री से वर्ड आया है, ओनिचोटिलोमैनिया, तो हम देख लेते हैं। इसको हम ले जाएंगे और किसी जगह पे प्रोनंसिएशन किसी भी डिक्शनरी में इसका देख लेते हैं। वन मिनट, ये एक डिक्शनरी है, इसमें भी हमें मिल जाएगा। हाँ, ओनिको, ठीक है, ओनिको टिलोमैनिया, ओनिको टिलोमैनिया। तो देखो ना, च और क अगर हम देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ओनिको टिलोमैनिया, ए टेंडेंसी टू पिक एट द फिंगर नेल्स। तो ये हमें आदत बनानी चाहिए, बच्चों की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़ेनो मैंने ज़ेनोफोबिया, ज़ेनोमैनिया, फ़ौरन चीज़ों का, कि जी मैंने फ़ौरन चीज़ ही लेनी है। तो सो इसी तरह दूसरी लिस्ट जो हमें बहुत ज़रूरी है, उसमें से कुछ वर्ड्स बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। फोबिया, किसी चीज़ का खौफ होना। ठीक है ना, तो फोबिया के भी कई वर्ड्स हैं, डार्कनेस का खौफ होना, ओपन स्पेसेस का खौफ होना, एगोराफोबिया, इंसेक्ट्स का खौफ होना, इंसेक्टोफोबिया, फिश का खौफ होना, इश्थियोफोबिया, इसी तरह स्पाइडर्स का तो मशहूर है, अक्सर होता है बच्चों को, अरेचनोफोबिया। तो इसमें से जो फोबिया मैंने निकाले हैं, जो अक्सर बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, वो ये हैं। मसलन बच्चों को ये टीके लगवाने से उन्हें बड़ा डर लगता है ना, तो इसके लिए वर्ड है ट्रिपनोफोबिया, बिल्लियों से डर लगता है, एलरोफोबिया। ठीक है, इसी तरह ट्रिपनोफोबिया, मेडिसिन टीके इस ट्रीटमेंट से डर लगना। ये फोबिया जो है ना, ये सबसे मेरे ख्याल में घटिया है, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल से बच्चे सख्त बेजार हैं, और इस फोबिया का भी एक नाम रखा हुआ उन्होंने, डाइडेस्केलिनोफोबिया। डाइडेस्को मीनिंग टू टीच, तो फोबो मीनिंग टू एवर्जन और फियर। ये अगर ख़त्म हम कर सकें तो दिस इज़ द स्कूल रिफॉर्म, डाइडेस्केलिनोफोबिया। और स्कूल जो फोबिया क्रिएट कर रहा है, वो उनमें से ये फोबिया, राइटिंग का फोबिया, ग्रेफोफोबिया। ज़रा बच्चों को कह के देख लें कि जो अभी बात करी है आप, ये आप एक ट्रिप पे गए थे या आप एक टूर्नामेंट अटेंड करने गए थे, अब आके उसके बारे में लिखें, बस उनके तरह निकल जाएगा वहाँ पर। स्क्रिप्टोफोबिया, लिखना। ठीक, इसी तरह बिब्लियोफोबिया, किताबों से डर लगना। ठीक है ना, बोलने से डर लगना, ग्लॉसोफोबिया,
ग्लॉसोफोबिया और स्पीच एंग्जाइटी इज़ अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये वो फोबियाज़ हैं जो हमने बच्चे में नहीं दाखिल होने देने। और स्पाइडर का फोबिया तो खैर होता ही है और स्नैक्स का फोबिया भी होता है। तो फोबिया और इसी तरह फ्यूचर का फोबिया के अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहना। इसी तरह एक फोबिया मैं पढ़ रहा था कि आजकल जिस तरह बच्चों को टेलीफोन उनसे ले लें तो तकरीबन उनका दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तो इसका भी फोबिया है, नोमोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ मोबाइल फ़ोन कॉन्टेक्ट के पता नहीं क्या हो जाएगा। और तो ये फोबिया और मेनिया के हमने वर्ड इसमें किए हैं, और इस किस्म के कम अज़ कम कुछ वर्ड क्लासरूम में लगाने चाहिए और कुछ बच्चों की वोकैबलरी में डालने चाहिए।